हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं हूं पायल और आज मैं आप लोग ले लेके आई हूं एक ऐसी रेमेडी जिससे आपकी स्किन ना ही हेल्दी बनेगी बल्कि ग्लोइंग भी बनेगी। और ये रेमेडी मैं खुद बहुत टाइम से यूज करके आ रही हूं, इसीलिए मैं आपको इतनी गारंटी के साथ बता सकती हूं कि इसका विजिबल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अभी जब मैं अपने फेस पर आपको लगा के दिखाऊंगी तो आपको खुद रिजल्ट आपको खुद देखने को मिलेगा कि बिफोर एंड आफ्टर। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और ये जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट यूज किए हैं इस रेमेडी में सारे ही नेचुरल हैं, सारे ही आपको अपने किचन में अवेलेबल मिल जाएंगे, तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल घर बैठे आपको ग्लोइंग स्किन मिलने वाली है। और जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने इसमें यूज किए हैं वो सारे के सारे नेचुरल है, इसीलिए आपको कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉल ले लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच बेसन। बेसन हमारे स्किन के डेड स्किन को रिमूव करके हमारे स्किन को ब्राइटन बनाता है। उसके बाद 1 चुटकी हल्दी, उसके बाद 1 चम्मच दही, 1/2 चम्मच हनी। दही हमारे स्किन को मॉइस्चर करती है, हनी हमारे स्किन को स्मूदन बनाता है। उसके बाद फिर ड्रॉप्स ऑफ रोज़ वाटर, सबको मिक्स कर ले अच्छे से। मैं यहाँ पे थोड़ी सी रोज़ वाटर और ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो आप भी ऐड कर सकते हो एज़ पर योर नीड। हल्दी जो है हमारे एक्ने को रिमूव करता है। हमारी पेस्ट बनकर रेडी है, अब मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, अपने बालों का ऐसे बन बना लिया है। तो चलिए मैं आपको इस रेमेडी को अप्लाई करके बताती हूँ। बहुत थिक सा आपको नहीं लगाना है, ऐसे करके पूरे फेस पे आपको लगा लेना है इसको। मैंने अपने पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर लिया है। उसके बाद जो बच जाए थोड़ा सा उसको आप अपने नेक पे भी ऐसे अप्लाई कर लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि अगर आपका फेस ग्लो करेगा और आपका नेक जो है डार्क लगेगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में। सो इसीलिए सब लग चुका है। अभी से आपको छोड़ देना है 20 मिनट तक, जब तक ये सूख ना जाए। उसके बाद हम फेस वॉश करके देखेंगे रिजल्ट क्या आता है। सब 20 मिनट पूरे हो चुके हैं, अब मैं आपको फेस वॉश करके दिखाती हूँ कि कैसा रिजल्ट आया है। सो अभी मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और आप देखिए पहली ही बार में इतना अच्छा रिजल्ट आया है। इसे आप लगातार यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है आपका। देखिए मेरे नोज़ पे देखिए, चीक्स पे देखिए कैसे ग्लो आ गया है और कितनी फेयर लग रही है मेरी स्किन पहले से। इसे आप लगातार 2 हफ्ते तक लगाएं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये था आज का मेरा वीडियो, आया होगा आप सबको पसंद आया होगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है मेरा हेयर केयर रूटीन। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताऊंगी कि मैं अपने हेयर के लिए क्या क्या यूज़ करती हूँ, क्या क्या अवॉइड करती हूँ। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।